हाय फ्रेंड्स, मैं परिंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की ये हमारी गेम हमारी एक बांग्लादेशी छात्र हीमू जी की एक वीडियो रिक्वेस्ट किया। उनकी आईडी है नील मोनी, और उन्होंने जिस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझसे कहा था वो सन 1997 में खेली गई थी, 1997 नीदरलैंड्स में। और यहाँ खेलने वाले खिलाड़ी थे पीटर स्विडलर और गैरी कास्परोव। टिल्बर फॉन्टीज में 7th राउंड में ये गेम खेली गई थी। तो आइए फ्रेंड्स, सीधा इस गेम को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर हिमू जी ने इस गेम के ऊपर वीडियो बनाने के लिए क्यों कहा था। यहाँ गेम की शुरुआत की पीटर स्विडलर ने e4 के साथ, तो c5 सिसिलियन डिफेंस यहाँ गैरी कास्परोव ने शुरू किया। नाइट f3 d6 c3 देन नाइट f6 स्क्वायर पर, बिशप e2 देन नाइट एट बी गोज टू d7 d3 देन b6 वाइट कैसल्स, बिशप b7 देन नाइट एट बी गोज टू d2 g6 d4 c takes d4 c takes d4। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ सेंटर में पॉन आगे बढ़ने के बाद वाइट को इस पॉन का डायरेक्टली नुकसान हुआ है। नाइट टेक सी फोर, बिशप टेक सी फोर, देन नाइट g5, दोबारा उसी बिशप पर अटैक है और नाइट भी कुछ पॉसिबिलिटीज बनती हैं, लेकिन ये ई पॉन आगे बढ़ जाएगा। क्वीन अगर यहाँ आती है तो भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल सकता है, नाइट बीच में आ जाएगा। लेकिन उन सभी पॉसिबिलिटीज को यहाँ खत्म करते हुए गैरी कास्परोव ने पहले ही अपने डी पॉन को आगे पुश कर दिया d5 स्क्वायर पर, बिशप b5। और कुछ देर के लिए चलिए नाइट पिन हो चुका है, और उसके बाद भी क्वीन तो खैर कहीं नहीं आती है। चलिए बिशप g7 देन f3, बिशप पर अटैक है और इस बिशप के लिए बचा है सिर्फ और सिर्फ f5 स्क्वायर देन g4। और यहाँ ब्लैक का ये बिशप कुछ हद तक ट्रैप हो चुका है, जा सकता है कदम पीछे, लेकिन h6 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, नाइट पर अटैक बनाया। पी सेक्शंस ऑफर है, जी टेक्स f5, एच टेक्स g5, जैसे यहाँ पीटर स्विडलर ने एक्सेप्ट किया। एफ टेक्स g6 और जो यहाँ पॉन खोया हुआ था वो ने यहाँ वापस मिल चुका है। a6 बिशप पर अटैक है, जी टेक्स f7 चेक, ये तो होना ही था। किंग टेक्स f7 देन बिशप a4, और आप यहाँ देख सकते हैं कि जी पॉन अंडर थ्रेट है। लेकिन वाइट अभी इस जी पॉन को ना ही ले तो अच्छा है, क्योंकि एक एक कर इसी सारे अटैक में आते चले जाएंगे। और एट प्रेजेंट गैरी कास्परोव के लिए जो मुझे बेस्ट मूव नजर आता है वो अपनी क्वीन को इधर c7 स्क्वायर पर लाकर डायरेक्ट h7 पॉन पर अटैक बनाने का है। अगर ये क्वीन c7 स्क्वायर पर आए तो उसके बाद रुक f2 करना ही पड़ेगा वाइट को, देन रुक h4 हो सकता है, और उसके बाद ब्लैक यहाँ अपने दूसरे रुक को डेंजरस स्क्वायर पर लाकर अपनी गेम को फर्दर आगे बढ़ा सकता है। पर गैरी कास्परोव ने यहाँ अपने रुक को h5 स्क्वायर पर प्लेस किया, देन बिशप e3, नाइट f6, देन क्वीन गई d2 स्क्वायर पर, और यहाँ अपने इस h2 पॉन को डिफेंड करते हुए क्वीन d6, फाइनली ये मूव तो होना ही था। और फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से तो समय आ चुका था कि वाइट यहाँ इस जी से 5 पॉन को ले सकता है। अगर वो यहाँ बिशप टेक्स g5 करे भी तो रुक h8 यहाँ पहले ब्लैक करेगा, और यहाँ प्रेशर काफ़ी बढ़ सकता है। ये बिशप एक कदम पीछे हटकर अटैक भी बना सकता है, रुक f2 भी हो सकता है। लेकिन उससे पहले ब्लैक यहाँ अपने बिशप को h6 स्क्वायर पर ले जाएगा और गेम की टर्म्स को डिफाइन कर सकता है। पर यहाँ स्विडलर ने किया था रुक f2, और ठीक है, डिफेंस पर ज़्यादा फोकस किया, बेटर मूव था। रुक h8 देन रुक g2 स्क्वायर पर, और फाइनली अटैक तो यहाँ आ ही चुका है काफ़ी अच्छा खासा। तो रुक h3 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, गैरी कास्परोव का टारगेट यहाँ ये f3 पॉन भी आ चुका हो चुका है, देन रुक f1। और अब माइट भी समय आ चुका था कि ब्लैक को बिशप h6 की ऑप्शन को कंसिडर करना चाहिए था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने पहले किया रुक h4। और फ्रेंड्स, ऐसा करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं इस दूसरे रुक की पोजीशन, ये रुक कहीं मूव नहीं कर पाएगा। बिशप के पास यहाँ ये 2 मूव होंगे, 3 मूव होंगे इनफैक्ट यहाँ इस रुक तक पहुँचने के लिए। बिशप c2, स्विडलर ने अपनी प्लानिंग के साथ काम करना शुरू कर दिया है। नाइट h5, और फ्रेंड्स ये नाइट h5 क्यों चला गया है, क्योंकि यहाँ रुक पर भी अटैक बनता है। तो बिशप f5, स्विडलर ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया, देन नाइट f4, यहाँ गैरी कास्परोव ने भी अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। लेकिन फ्रेंड्स, क्या यहाँ व्हाइट बिशप टेक्स f4 नहीं कर सकता था? चलिए देखते हैं, अगर यहाँ ऐसा होता है तो बिशप टेक्स d4 चेक पहले यहाँ ब्लैक करेगा, क्वीन टेक्स d4 होगा, उसके बाद रुक टेक्स f4 होगा, और पोजीशन कम से कम ये वाली हम इतनी ज़्यादा बेटर नहीं कह सकते। यहाँ क्वीन पर और बिशप दोनों पर टारगेट होगा, तो क्वीन के लिए फोर्सफुल मूव होगा d3 स्क्वायर पर जाने का। तो नाइट कुछ देर के लिए सेफ है पोजिशनली, अगर उस तरह से गेम आगे बढ़ती है तो ब्लैक बेटर होगा। तो बिशप टेक्स h3, सिंपली यहाँ रुक का एडवांटेज व्हाइट ने ले लिया है, और ब्लैक कम से कम यहाँ इस रुक को नहीं ले सकता, अदरवाइज क्वीन यहाँ इस नाइट को लेने के बाद अपने बिशप को डिफेंड कर लेगी।
ब्लैक ने यहाँ किया नाइट x3 चेक किंग है h1 स्क्वायर पर, देन क्वीन f6 और क्वीन के f6 स्क्वायर पर आने से अभी तो कुछ खास नहीं है। रुक g3 स्क्वायर पर और फ्रेंड्स रुक के g3 स्क्वायर पर माइट भी, ये पॉसिबिलिटी काफ़ी अच्छी बनती है। क्वीन f5 देन बिशप टेक्स g5, फाइनली वो मूव होना ही था। नाइट टेक्स g5, रुक टेक्स g5, क्वीन पर अटैक है तो क्वीन गई h3 स्क्वायर पर, और यहाँ आप देख सकते हैं रुक पर अटैक है तो रुक g2 जैसे एक मूव यहाँ वाइट को चलना ही पड़ेगा। यही काम यहाँ शूटलर ने किया भी था, और मेरे ख्याल से यहाँ क्योंकि आगे की गेम मैं देख चुका हूँ तो ब्लैक को अपनी क्वीन को f5 स्क्वायर पर लेकर चले जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने बिशप f6 किया, और बिशप के f6 स्क्वायर पर आने के बाद क्वीन गई d3 स्क्वायर पर, और इस क्वीन के d3 स्क्वायर पर आने के बाद ये ब्लैक का किंग क्लियर यहाँ अंडर थ्रेट होगा। रुक टेक्स d4, ये मूव ठीक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब इस गेम में व्हाइट की क्वीन एक्टिव हो चुकी है, a6 पॉन डायरेक्टली थ्रेट में है, लेकिन कोई फायदा नहीं है। किंग को अटैक करो, क्वीन g6 चेक, किंग के लिए बचा है e6 स्क्वायर, यही स्क्वायर बेस्ट हो सकता था, अदरवाइज चेकमेट होती। क्वीन e8 और फ्रेंड्स क्वीन के e8 स्क्वायर पर आने के बाद व्हाइट का अगला मूव एक चेक देकर यहाँ क्वीन को लेने का होगा। तो अब ब्लैक क्या करेगा? ब्लैक किंग को अगर मूव कर ले d6 या 6 स्क्वायर पर तो माइट भी बेटर ऑप्शन हो सकती थी। क्वीन d8 चेक होता, क्वीन बीच में आ जाती और एंड गेम में कुछ यहाँ फाइट कर सकते थे दोनों खिलाड़ी। लेकिन जब यहाँ ब्लैक ने अपने रुक को c4 स्क्वायर पर प्लेस किया तो व्हाइट के ऊपर से प्रेशर काफ़ी रिलीज आउट हो गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्वीन कम से कम यहाँ अब ठीक है कुछ देर के लिए इस c8 स्क्वायर पर तो नहीं जा सकती, लेकिन क्वीन d8 स्क्वायर पर तो जा सकती है, और क्वीन के d8 स्क्वायर पर जाने के बाद अगला मूव क्या होगा फ्रेंड्स देख सकते हैं, और रुक कितनी जल्दी अटैक लगा सकता है यहाँ भी बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, सारे फायदे यहाँ व्हाइट को ही हैं। ब्लैक यहाँ चाहे अगर उसे मौका मिले तो वो यहाँ अपने रुक को c2 स्क्वायर पर ले जाकर बहुत शानदार टारगेट लगा सकता है। क्यों लगा सकता है? कि कम से कम ये रुक वापस रुक को तो नहीं ले सकता, तो अदरवाइज क्वीन यहाँ इस f1 रुक को लेकर चेकमेट कर देगी, और यहाँ दोनों स्क्वायर्स पर चेकमेट की थ्रेट होगी, लेकिन इसका डिफेंस हो सकता है। पर प्रॉब्लम तो यह है कि ब्लैक को जब मौका मिलेगा तभी तो वो यहाँ कर पाएगा, तो ब्लैक को यहाँ करना पड़ा क्वीन f5। क्वीन f5 क्यों? क्योंकि रुक e1 चेक अगला मूव होना ही था, और इस चेक से बचने के लिए फोर्स्ड मूव है, ये किंग यहाँ जा नहीं सकता, अदरवाइज अगले मूव में चेकमेट हो जाएगी। तो बिशप ही बीच में लगाना होगा, बिशप गया e5 स्क्वायर पर, एंड फाइनल मूव फ्रॉम पीटर स्विडलर वॉज क्वीन b8। और यहाँ इस मूव के बाद गैरी कास्परोव ने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करना पड़ा, क्यों करना पड़ा? क्योंकि यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाते हैं तो ब्लैक के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे? एक ऑप्शन जो मुझे नज़र आती है वो है b5 मूव करने की, लेकिन अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो व्हाइट यहाँ पहले करेगा रुक टेक c5 चेक। क्वीन टेक c5 होने के बाद जब रुक g6 चेक होगा तो आप देख सकते हैं कि ये किंग कम से कम 7th रैंक पे नहीं जा सकता, अदरवाइज व्हाइट को यहाँ अपनी क्वीन गंवानी होगी, तो किंग के लिए बचेगा सिर्फ और सिर्फ f5 स्क्वायर, देन रुक g5 चेक होगा, किंग टेक g5, क्वीन तो फिर भी गई, क्वीन e5 चेक, क्वीन टेक c5 चेक। और दूसरी कोई ऑप्शन बचती है? अगर मान लो ब्लैक यहाँ अपने किंग को मूव कर ले 6th रैंक में ही, सपोज f6 स्क्वायर पर, तो उसके बाद क्वीन g8 और फिर दोबारा वही सारी थ्रेट्स होंगी ऑलमोस्ट चेक मेट करने की, तो रुक c8 जैसा कोई मूव यहाँ ब्लैक कंसिडर कर सकता है, देन क्वीन g7 चेक होगा, किंग e6 स्क्वायर पर ही जाएगा, देन रुक g5 होगा, और यहाँ क्वीन बिशप और फिर चेकमेट। तो फ्रेंड्स इस गेम को इस मूव से जहाँ तक भी आगे बढ़ाया जा सकता है वो चेकमेट तक ही पहुँचेगी। काफ़ी अच्छी गेम थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको भी ये गेम और वीडियो दोनों ही पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।